जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी एक वीडियो क्रिएटर हो तो यह वीडियो आप देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, मेरे पास जो है ये डिवाइस है जो कि आप ट्राइपॉड वगैरह यूज करते हो तो इसमें जो ये काम देता है ना। इससे क्या होता है, जो आप बटन दबोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका कैमरा जो है मतलब फ़ोटो खींचा जाएगा, है ना, इस तरह का कुछ होता है। और ये जो है ख़राब है ना, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे आप ठीक कर सकते हो खुद से, वो मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो, जैसे ये जो है ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शायद ख़राब है और ये शायद ठीक होगा, एक ना एक ठीक है शायद इसमें। ये देखिए, ये ठीक है ना, है ना, ये बोल चल रहा, ये ठीक है, बट ये ख़राब है ना, ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो वो बताता हूँ। देखो तो इसको बस खोलने का बस एक ब्लेड है, आप ये देखिए, ये मैंने खोल दिया है ना, ये मैंने खोल दिया। और देखो तो इसमें अधिकतर प्रॉब्लम कहाँ से आता है, देखिए अधिकतर तो प्रॉब्लम आता क्या है, मैंने अब तक जो देखा है, देखिए इसको किट निकाल देना है, ठीक है, ये देखिए ये किट निकाल देना है आपको। और देखिए अधिकतर क्या होता है, देखो बैटरी पहले आपको चेक कर लेना, ये जो बैटरी है, बैटरी अगर सही है आपका, ठीक है, तो आपको देखना क्या है, ये सब देखिए इसमें थोड़ा जंग वगैरह लगा हुआ तो नहीं है, है ना, डस्ट वगैरह लग जाने के कारण भी जो है इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये जो लूज हो जाता है, लूज कनेक्शन होता है, तो अब क्या है कि आपको सोल्डिंग आयरन से सही से सोल्डिंग कर देना है तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। और ये शायद इसमें थोड़ा बहुत गंदगी है, तो इसको गंदगी को हम थोड़ा साफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ठीक होता है कि नहीं होता है। अगर फिर भी नहीं होगा तो एक बार बैटरी वगैरह चेक करके देखेंगे, बैटरी सही है कि ख़राब है, और इसको चेंज कर देना है डायरेक्ट, है ना। तो देखो दोस्तों, हम जो है थोड़ा सा और टेढ़ा भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि सही से जो है पकड़ेगा। तो देखो ये टेढ़ा वगैरह कर दिए हैं, और फिर से जो है अब इसको जो है फिट करके देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है सर लाइट तो जल रहा है ना, चलिए हम जो है फिट करके देखते हैं कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये ऑन हो गया है, है ना, देखिए दाब के रखें तो ये ऑफ भी हो गया। अब देखो इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको फिर से दाब के रखना है, ये देखिए, और ये ऑन भी हो गया, है ना, ये भी ऑन हो गया, और ये जो है पहले से ठीक था, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, ये पहले से ठीक है, है ना। तो देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि आपको ड्राई सोल्ड का चेक कर लेना है कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं सोल्डिंग उखड़ तो नहीं गया है, है ना, उसके थोड़ा साफ करके देख लेना। अगर फिर भी नहीं हो तो आप लास्ट बैटरी चेक कर बदलना, आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सब में दोस्तों यही सेम कंडीशन होता है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।